हाइडेट को आज हम आपको बताएंगे सीलिंग फैन का सब कट गया है कैसे चेंज करना है उसका आसान तरीका आपको बताएंगे। सबसे पहले हमारे चैनल को जो नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपके पास तुरंत मिल जाएगा। सबसे पहले चलते हैं उसको उसका जो लीडिंग है उसको काट के निकाल देना है। उसके बाद वो देखिए हमारा ये जो सैप इधर से कट गया है इधर से वो कट गया है तो इसको मैं हाइड्रोलिक से निकालना है तो हाइड्रोलिक मैंने बना लिया है बनाया है तो देखिए हमारा ये हाइड्रोलिक मशीन है इस तरह का मशीन है तो उसको कैसे निकालना है तो आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने सेम साइज का सेप निकाल लिया है नया लगाना है इसको तो ये पुराना वाला है ये नया वाला है भाई अभी मैं इसको लगा के दिखाता हूँ कैसा लगाना है। जिस तरफ का लीड है जो कनेक्शन का लीड है वायर तो उसी कनेक्शन का छेद उसी तरफ रखना है तो इधर से हमारा वायर निकलना है।
ये देखिए हमारा हाइड्रोलिक निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से प्रेशर हो रहा है, देखिए इस तरह से निकल रहा है। देखो कितना अच्छा से जा रहा है बैटरी, फिर बीच में स्विच करने का, थोड़ा घुमा लेने का है, ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा सेफ टाल नहीं बैठेगा, सीधा बैठेगा, फिर थोड़ा लूज करना है, फिर घुमाना है, फिर टाइट करना है। और थोड़ा बैठेगा,
हमारा नया सेब लग गया है, देखिए कितना सीधी तरह से घूम रहा है, कितना अच्छा से बैठा हुआ है, सीधे भी टाल नहीं हुआ है। तो आप चाहे तो इसी तरह से हाइड्रोलिक आप मार्केट में मिल जाएगा, तो इसको फ्रेम बना के लेद में कटिंग करके फ्रेम बना लेना, फिर बाजू का बाजू में कोई लेद का मशीन रहता है तो उनको हाइड्रोलिक बोल देने का है, तो वो लोग बना के दे देगा आपको। तो आपके पास सेब निकालने के लिए और कोई और तकलीफ नहीं होएगा आपको, तो आप खुद ही सेब चेंज कर सकता है, टल नहीं होएगा, तो आपको कुछ कष्ट नहीं होएगा, आपको आसान तरीके से हो जाएगा। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्त।